मतलब कितने साल से आप जुड़े हो और क्यों जुड़े हुए? मैं तो अभी भी जुड़ा हूँ, मतलब कुछ साल पहले, और ये पांचवा साल हमें जा रहा है कि मैं अवार्ड के। सबसे पहले मैं आयोजक विजय पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि एक अवार्ड होना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको सही तरीके से मैनेज करना बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे तो मुझे लगता है कई अवार्ड भारत में होते हैं, लेकिन उस पूरी इंडस्ट्री में ये जो अवार्ड शो होता है लगभग पांचवा साल है। और ये जब हम लोग जाते हैं, जब किसी सम्मान को पाते हैं, तो साल भर की जो हमको मेहनत होती है उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। क्योंकि जब सम्मान मिलता है किसी चीज़ की, गांव में कोई काम करिए या शहर में करिए या अपने घर में ही काम करिए, उसकी जब सम्मान आपको सही तरीके से किया जाता है तो अंदर से बहुत खुशी होती है। और माता पिता को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे उन्होंने इस धरती में पैदा किया और इस लायक बनाया। तो इस अवार्ड के लिए जो हमारे आयोजक विजय पांडे के लिए मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पूरी इंडस्ट्री को एक साथ बांध के रखा है। इससे काफ़ी लोग कब से पूछ रहे हैं सोशल मीडिया में कि कौन इसमें सिंह आएगा, कौन सिंह आएगा, खेसारी लाल यादव आएंगे या कोई और या दिनेश लाल यादव आएंगे, कौन आएगा मायने नहीं रखता है, कितना बेटर हो सकता है मायने रखता है। वो हमारे लिए सबसे बड़ा सुपरस्टार है, जो नया लड़का आता है ना, जो पहला बार जिसको लॉन्च करते हैं, हमारे सबसे बड़ा सुपरस्टार वही है। मैं किसी बड़े सुपरस्टार में मानता हूँ, मनोज तिवारी जी हैं, दिनेश लाल यादव जी रघुआ जी हैं, रवि किशन जी हैं, खेसारी हैं, पवन हैं, प्रदीप पांडे चिंटू हैं, अरविंद कलागल्लू जी हैं, नितेश पांडे जी हैं, सब बड़े बड़े स्टार हैं। मैं किसी को नहीं बोलता हूँ कि आएंगे या नहीं आएंगे, सबका हमने आमंत्रण दिया है। अगर किसी के पास समय मिलेगा तो जरूर आएंगे। हो सकता है कि आज के डेट में पैसे के लिए नहीं आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग शूटिंग कर रहे हैं। और शूटिंग में जब सलमान खान भी बिजी रहता है तो आईफा जैसे बड़े अवार्ड में नहीं जाता है। तो मैं किसी को दोष नहीं दूंगा किसी सेलिब्रिटी को, जो भी मुंबई में हमारे कलाकार यहाँ पहुँच जाएंगे वो हमारे लिए सम्मानजनक होंगे। और हाँ, रही बात अवार्ड की, किसको क्या अवार्ड मिलेगा, तो जो हमारे ज्यूरी फाइनल किया है उसी को अवार्ड मिलेगा। कोई आए या ना आए मुझे मायने नहीं रखता है। जो सिनेमा सन 2022 में रिलीज हुआ है, जो सुपरहिट हुआ है पब्लिक के माध्यम से, थिएटर में रिलीज हुआ हो या फिर टीवी में रिलीज हुआ है, उसको हम सम्मान देंगे एक अच्छे तरीके से। ये नहीं है कि फल्ला हीरो नहीं पहुंचा था उसको अवार्ड नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सभी को उचित सम्मान दिया जाएगा जो उस काबिल है। विजय जी पे अभी गंभीर आरोप लगा है, विजय जी पे अभी गंभीर आरोप लगा है कि कितने में अवार्ड बेचते हैं, इस बारे में क्या? आरोप प्रतियोग तो लगते रहते हैं अभी, देखिए विवाद हर जगह चलता है। तो जितने भी अवार्ड होते हैं ना, हर जिस दिन अवार्ड आज रात में खत्म हुआ, रात में 12 बजे से ही लोग लिखना शुरू कर देते हैं, किसी को अटैच के जवाब नहीं देंगे, जवाब हम कार्यक्रम करके दिखाएंगे। इसलिए हम उस क्वेश्चन की तरफ जाएंगे नहीं, हम कभी भी सोशल मीडिया पर, खासकर मैं अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे या किसी वेबसाइट पे गलत कोई न्यूज पब्लिश इसलिए नहीं करता हूँ कि मैं एक काफी लंबे टाइम से काम कर रहा हूँ और मेरे जानकारी से पूरे जो मीडिया है उसको सही तरीके से छापती है। तो मैं कभी किसी को गलत जानकारी नहीं दूंगा और गलत तरीके से सम्मान नहीं करता हूँ। जो हकदार होता है उसको सम्मान मिलेगा। तो क्या ऋतिक रोशन ने पिक्चर में क्या बोला गया है कि राजा राजा नहीं राज करेगा, जो उसका हकदार होगा वही राज करेगा। उसी तरह सम्मान उसी को मिलेगी जो उसका हकदार होगा। ब्रह्म जी, पिछले साल आपने एंकरिंग किया था, इस बार किस प्रकार से जुड़े हुए आप ग्रीन सिनेमा से? मैं पिछले 4 साल से एंकरिंग कर रहा हूँ ग्रीन सिनेमा अवार्ड को। सबसे पहले तो मैं खुद एक पत्रकार हूँ, एंकर हूँ, आप लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं जानता हूँ आप लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। दोस्तों, मैं पत्रकार हूँ, मीडिया में भी काम करता हूँ और मैं ग्रीन सिनेमा से पिछले 4-5 साल से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है। ये हम जितने भी लोग हैं, यहाँ संजय भाई बैठे हैं, अमरीश भाई बैठे हैं, ये देखिए डायरेक्टर मिस्टर वेल्लू सर भी हमारे साथ आए हैं और विजय भाई तो हैं, रितेश भैया हैं, सुरीला जी हैं, कुछ देर पहले तक यहाँ थे। ये सारे के सारे इतने प्यारे और इतने सज्जन और इतने अच्छे लोग हैं ना, कि भोजपुरी सिनेमा के सितारों को किस तरीके से जुटा कर रखना है, ये शक्ति इनमें है। विजय भाई का अगर बैकग्राउंड मैं आपको बताऊं तो ये इंडस्ट्री से नहीं थे, आपने कोई फिल्म या कोई प्रोड्यूसरी अचानक से आए, इनको लगा कि भाई मैं यूपी बिहार का एक हूँ, संजय भाई से मिला, एक हम लोग सब जुड़ने लग गए एक साथ, धीरे धीरे ग्रीन सिनेमा एक बहुत बड़ा आकार इस समय बन चुका है। मैं एंकरिंग करता हूं और भी मेरे बहुत सारे भाई मेरे साथ एंकरिंग करते हैं, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट प्रोड्यूसर, हमेशा जो आरोप लग रहा है ये बेबुनियाद होता है, बकायदा जूरी है वो करती है।